3.3 का सेकंड क्वेश्चन है s माइनस टी इक्वल्स टू 3 और s अपॉन 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल्स टू 6। तो सिंपल है, इसको भी आप क्या करेंगे, लेट करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे और इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। अब आप वही करते हैं y इक्वेशन फर्स्ट, अब y इक्वेशन फर्स्ट में हो जाएगा s माइनस टी इक्वल्स टू 3। आप यहां पर s इक्वल्स टू करेंगे क्या हो जाएगा 3 प्लस टी, इक्वेशन क्या होगा ये थर्ड, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। क्या क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन सेकंड, आपने फर्स्ट से लिया है तो सेकंड में रखेंगे और सेकंड से लेते तो फर्स्ट, क्या लिखा है एस अपॉन 3, क्या लिखा है एस अपॉन, तो आपका एस हो जाएगा 3 प्लस टी अपॉन में 3 प्लस टी अपॉन में 2 इक्वल टू 6। अब कुछ महान बच्चे क्या होते हैं, वो 3 से 3 को कैंसिल कर देते हैं, अगर मैथ्स में ऐसा कोई रूल नहीं है तो आपको क्या करना है, फ्रैक्शन बन गया, क्या बन गया ये, तो क्या करते हैं फ्रैक्शन मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 3 2 6 और ये क्या हो जाएगा आपका ये 6 प्लस 2t और 3t इक्वल्स टू कितना चल रहा है 6। ये 6 इस तरफ डिवाइड हो सकता है, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा 5t इक्वल टू 36, 2t प्लस 3t 5t 6 सही बात है, 6 36, तो 5t इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 माइनस 6, तो 5t इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, वैल्यू ऑफ टी इक्वेशन थर्ड,